National Safety Council is an autonomous body set up on March 4, 1966 by the Ministry of Labour, Government of India, whose main objective is to strengthen voluntary movement on safety, health and environment at the national level. Tata Housing Development Company Limited is part of the Tata conglomerate, one of India's leading business houses. The company is a reputed real estate developer, creating a wide range of landmark projects across the country that includes residential and commercial spaces. The company follows a comprehensive environment, health, and safety management system conforming to global standards of OSAS 18001. National Safety Council and Tata Housing Development Company Limited present Scaffolding Safety at Construction Sites. आज हर बड़े महानगर और शहर की पहचान बन गई हैं आसमान छूती इमारतें और ऐसी कई तरह की विशाल इमारतें। शहर की ये इमारतें पहचान हैं आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग डिजाइन में हो रही नई नई खोज की, उनकी तरक्की की। मगर इन सभी इमारतों में एक बात सामान्य है, इन सबको जरूरत है स्कैफोल्डिंग की। जी हाँ, ऐसी ऊंची इमारतें बनाने के लिए हमें इनके बाहर से ही काम करना पड़ता है या फिर इन्हीं इमारतों के बाहरी हिस्सों पर, तभी ये बन पाती हैं। इसका मतलब वर्कर्स को ही ऊंचाई पर जाकर काम करना पड़ता है, जिसके लिए हमें चाहिए एक स्थिर, मजबूत और सुरक्षित प्लेटफॉर्म जो कि अलग अलग किस्म और प्रकार के ढांचों या सहारों से तैयार किया जा सकता है, जिसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। बात चाहे ऐसी इमारतें बनाने की हो, उनकी पेंटिंग की हो, देखभाल की हो, मरम्मत की हो या उन्हें गिराने की हो, स्कैफोल्डिंग के बिना काम नहीं हो सकता। आइए देखते हैं कि स्कैफोल्ड बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। अगर हम सही ढंग से योजना बनाएं तो प्रोजेक्ट का समय ही नहीं, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी काफी कम हो जाती है। मेटल स्कैफोल्डिंग्स यानी कि लोहे के स्कैफोल्डिंग्स जो आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये पारंपरिक बांस या लकड़ी से बने स्कैफोल्डिंग से बहुत ज्यादा बेहतर है। इन्हें आप आसानी से खोल सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं और ये उनसे काफी ज्यादा मजबूत और सुरक्षित भी होते हैं। मेटल स्कैफोल्डिंग एक बहुत ही जांची परखी तकनीक है। स्कैफोल्डिंग का यह तरीका इतना कामगर है कि इसे ऊंची इमारतें बनाने के लिए 1930 से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो योजना बनाते हुए स्कैफोल्ड के साथ साथ हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि स्कैफोल्ड की जगह कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, उसके ऊपर आने जाने का रास्ता कहाँ से होगा, उसका आर्किटेक्चरल डिजाइन कैसा है, एक स्कैफोल्ड कितना बोझ सह सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसके ऊपर काम करने वाले कर्मचारी सुरक्षित रहेंगे या नहीं। हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि स्कैफोल्डिंग गिरने की वजह से कुछ लोग घायल हो गए और कई लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो स्कैफोल्डिंग सही ढंग से नहीं बने हुए थे। इनमें से ज्यादातर हादसे इस वजह से होते हैं क्योंकि लोग स्कैफोल्डिंग बनाने के सही तरीके जानते ही नहीं। उन्हें ये मालूम ही नहीं कि स्कैफोल्डिंग के ऊपर सुरक्षित रहकर काम कैसे किया जा सकता है। ज्यादातर अच्छी तरह से ना बने हुए कमजोर प्लेटफॉर्म और स्कैफोल्डिंग पर ही हादसे होते हैं। आपकी सुरक्षा के लिए सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग लगाई जाती हैं, तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। आपकी सुरक्षा के लिए सीढ़ियों के बेस पर और दो सीढ़ियों के यूनिट के बीच में एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। सीढ़ियों से ऊपर आकर प्लेटफॉर्म और स्कैफोल्ड के ऊपर लगे हुए प्लेटफॉर्म के चारों तरफ गार्ड रेल और टोबोर्ड दिए जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण काम है उन स्कैफोल्ड्स को खोलना जो इस्तेमाल में नहीं आ रहे। ये स्कैफोल्ड खड़े करने की क्रिया के बिल्कुल विपरीत है। बिना सही रेलिंग के बने हुए प्लेटफॉर्म्स भी कंस्ट्रक्शन साइट पर दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण हो सकते हैं। सही मजबूती वाले गार्ड रेल्स और सही ऊंचाई वाले टोबोर्ड्स प्लेटफॉर्म के हर हिस्से में होने चाहिए। ये लोगों को गिरने से बचाते हैं। इनमें से एक तो है टॉप रेल। टॉप रेल प्लेटफॉर्म से कमर तक या 38 से 45 इंच की ऊंचाई तक होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म और टॉप रेल के बीच में एक मिड रेल होनी चाहिए। इसके अलावा प्लेटफॉर्म के चारों ओर एक 3.5 इंच ऊंचा किनारा लगा होना चाहिए, जिसे हम टो बोर्ड कहते हैं। दोस्तों, ये आप ना भूलें कि आपकी सुरक्षा के जिम्मेदार आप खुद हैं। तो आप भी एक जानकार, सतर्क और अच्छे मजदूर बनिए जो सुरक्षा के हर नियमों और मानकों का अच्छी तरह से पालन करता है और हर असुरक्षित तरीके से बचता है जो आपने इस फिल्म में देखे। तो आप भी स्कैफोल्ड को जोड़ते वक्त, खोलते वक्त
देखभाल करते वक्त, इस्तेमाल करते वक्त उन सब नियमों का पालन करें, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। और एक बात का ध्यान रखें कि सेफ्टी फर्स्ट का मंत्र ही सबसे कारगर मंत्र है। तो आप भी स्कैफोल्डिंग या प्लेटफॉर्म जैसी ऊंची जगह पर काम करते वक्त इस मंत्र को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें, क्योंकि आपकी ही नहीं आपके साथियों की जिंदगी भी इस पर बहुत निर्भर करती है। और सबसे अहम बात, घर पे आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है।